मैम मेरी वॉइस इज कमिंग? यस 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 मैम। वादी वादी जायते तत्व बोधाः, अर्थात वाद और विवाद से हमें तत्व बोध होता है। तो आज हम ऐसे ही एक वाद विवाद प्रतियोगिता में सम्मिलित होने जा रहे हैं। आज आमी पब्लिक स्कूल में मौलिक अधिकार इस विषय पर हमारे तेजस्वी विद्यार्थी अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चले इन प्रतिभाशाली विद्यार्थी गण के साथ मैं दुर्वा, हमारी माननीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य एवं निर्णायक मंडली का स्वागत करती हूँ। हमारे प्रथम निर्णायक हैं चिलद्रजा पिया, जो अत्यंत प्रतिभाशाली होने के साथ 13 साल से हिंदी विषय में कार्यरत है। इन्हें हम हमारे स्कूल में निर्णायक के रूप में पाकर अत्यंत सौभाग्यशाली मानते हैं। दूसरे निर्णायक हैं जो हमारी ही स्कूल के नीलांबरी मैम है, जो कक्षा एक हिंदी विषय के प्रमुख है और 8 साल से APS में कार्यरत है। आज की इस प्रतियोगिता में कुछ विद्यार्थी विषय के पक्ष में तो कुछ विद्यार्थी विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले हैं। मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ चैत्राली जी को। हेलो, धन्यवाद। चित्राली, मे आई रिक्वेस्ट यू टू टर्न ऑन योर कैमरा? यस मैम। मैम, एम आई विजिबल? हेलो मैम। सर, इज शी विजिबल? नो मैम, नो। चित्राली, यू आर नॉट विजिबल बेटा। Yes, ma'am. Just a moment. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. जिससे स्वतंत्रता या संप्रभुता मेरे देश की आहत हो, हे देशद्रोह, वो शब्द सभी जो लिखित में हो या मौखिक हो, बड़ी बुरी ये लत सबकी है देशद्रोह आसक्ति की। और तुम कहते हो है ये आजादी हमारे अधिकारों की, और तुम कहते हो है या आजादी हमारे अधिकारों की। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंचासीन निर्णायक मंडल, उपस्थित सम्मान्य जन, मैं चैत्राली मगर आज सदन की राय से असहमत होते हुए वक्ता विपक्ष में अपनी राय प्रस्तुत करूंगी। महोदय, अधिकारों की ही आड़ में लोग बड़ी आसानी से लक्ष्मण रेखा पार कर जाते हैं। यूं कहना भी अनुचित नहीं होगा कि दूसरों के अधिकारों का हनन करते हैं। अध्यक्ष महोदय, शिव मंगल सिंह सुमन ने अपनी कविता में लिखा है, कहीं बली है कटुक निबोरी कनक कटोरी के मैदा से, मतलब आजादी के साथ मिली कड़वी नीम की निबोरी से कहीं ज्यादा अच्छी है गुलामी के साथ मिली सोने की कटोरी के मैदा से। और हम जिन्हें लाखों बलिदानों के बाद आजादी मिली है, इसका बहुत ही गलत अर्थ उठाते हैं। महोदय, अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार का हम स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी से लगाते हैं। हम चाहे सो करें, हम चाहे तो कचरा कहीं भी फेंके, ट्रेन में बिना टिकट के यात्रा कर ले, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, जोर जोर से डीजे चलाकर आनंद मनाए, भले ही उसे पढ़ने वाले बच्चों और रोगियों के लिए मुश्किलें ही क्यों ना पैदा होती हों। और बात करें यातायात नियमों की, तो उनका पालन करने के लिए तो हमारे पास समय ही नहीं है, क्योंकि यह कीमती समय तो हमें सरकार और देश को कोसने में लगाना है। बात करो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर तर्कहीन बातें करना ही हमारा संवैधानिक अधिकार बन गया है। आज हम टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से देखते हैं कि किस तरह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया जा रहा है, किस तरह हमारे ही देश में नेताओं द्वारा ऐसे शब्द जो न केवल सुनने में बल्कि बोलने में भी शर्मसार कर देते हैं। कुछ समय पूर्व एक विश्वविद्यालय में कुछ छात्रों द्वारा ऐसे देश विरोधी और भड़काऊ भाषण और नारे लगाए गए थे। मेरा आशय किस तरह है ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। आमतौर पर मौलिक अधिकारों की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं। इन मर्यादाओं को कोई सरकार या व्यवस्था परिभाषित नहीं कर सकती। इनका अर्थ समाज के लोग अपनी अपनी समझ के अनुसार तय करते हैं। कुछ जैसे किसी को अपशब्द कहने से आपको जेल नहीं हो सकती, उसी प्रकार किसी के अपशब्द कहने को समाज वर्जित मानता है। आप में से कितने लोग जानते होंगे कि अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डोलानो पोलियो से ग्रसित थे,
वे बैसाखी और व्हील चेयर का इस्तेमाल करते थे, परंतु उनके कार्यकाल के दौरान एक भी ऐसा चित्र नहीं छपा जिसमें उन्हें व्हील चेयर पर बिठाया गया हो। हाँ, एक आध व्यंग्य चित्र तो छपे थे, मगर उसमें भी अमरीकी मीडिया ने मर्यादा का पालन किया था। हमें भी इसी प्रकार मर्यादा का पालन और इस तरह की प्रवृत्ति को जीवन में अपनाना चाहिए। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगी कि एक सभ्य समाज में मौलिक अधिकारों के दायरे निश्चित होते हैं। हमें भी एक सभ्य समाज के तौर पर अपने अधिकार और पैमाने निश्चित कर लेने चाहिए। हर एक अधिकार मौलिक अधिकारों की तो बात करता है, लेकिन यह भूल जाता है कि कुछ मौलिक कर्तव्य भी होते हैं, ये कभी नहीं सोचता। धन्यवाद। हाँ, सत्य है। इतने प्रभावशाली वक्तव्य के बाद मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ सृष्टि जी को। धन्यवाद। जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है, लेकिन मौलिक अधिकारों के बिना यह लोकतंत्र सृष्टि, यू आर नॉट ऑडिबल। यस मैम, सॉरी। जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है, लेकिन मौलिक अधिकारों के बिना हम लोकतंत्र की कल्पना मात्र भी नहीं कर सकते। किसी ने सच कहा है, लोकतंत्र है लोगों का तंत्र, मौलिक अधिकार है इसका मूल मंत्र। बिना मौलिक अधिकारों के चलता नहीं है यह तंत्र। शुभ संध्या आप प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी और आज के निर्णायक। मैं सृष्टि कृष्ण पाटिल दिए गए विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिसमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। यह अधिकार है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है और इनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। आज लोकतंत्र में सभी मौलिक अधिकार सबसे बड़े हथियार के रूप में साबित हुए हैं। समानता के अधिकार के कारण ही लोकतंत्र कानून के समक्ष समानता है। जाति, लिंग, धर्म तथा मूल वंश के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का महार सत्याग्रह हम नहीं भूल सकते, जिसकी वजह से सबको कुओं, तालाबों आदि में प्रवेश की समानता मिली। स्वतंत्रता के अधिकार से लोकतंत्र में सभी को बोलने की स्वतंत्रता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के कारण ही बाल श्रम, मानव और दुर्व्यापार पर रोक लगी। लोकतंत्र में सभी धर्मों के लोगों को अधिकारण की और धन के आभार रूप में माननीय आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। किसी भी वर्ग के नागरिक को अपनी संस्कृति बचाए रखने, भाषा लिपि बचाए रखने का अधिकार संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार से मिला है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धन के प्रति आस्था रख सकता है। हमारे देश में धन और उनकी आस्था का बहुत सम्मान किया जाता है। अब इसका एक उदाहरण ही देख लीजिए। हमारे देश में गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट पहनना अनिवार्य है, परंतु ये किसी सरदार व्यक्ति पर लागू नहीं है, क्योंकि वे सर पर पगड़ी धारण करते हैं और हम उनकी आस्था का सम्मान करते हैं। हमारे देश में हमें कई प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। भारत में किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता, संपत्ति के अर्जन एवं व्यय की स्वतंत्रता, जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। इतना ही नहीं, पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण तुरंत बता दिया जाता है। 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करना अनिवार्य है। लोकतंत्र में हमें केवल यह मौलिक अधिकार से ही मिला है और एक बड़ा हथियार साबित हुआ है। लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही हमने स्वतंत्रता का महत्व सीखा। लोकतंत्र व्यवस्था ने शोषण और सामाजिक असमानता के विरुद्ध लड़ना सिखाया। बिहार के पटाखों के कारखानों में छोटे बच्चों की मृत्यु हुई। जोखिम वाले कामों पर बच्चों की मजदूरी पर रोक लगी। लोकतंत्र में सरकार का निर्माण और पतन लोकमत पर ही निर्भर करता है। अपनी तमाम खामियों के बावजूद यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही परिणाम है कि हमारे देश में सत्ता का परिवर्तन करते समय जनता अपनी शक्ति को पहचानने लगी तथा चुनावों के समय बिजली, सड़क, पेयजल, रोजगार आदि के प्रश्न पर खुलकर चर्चा करती है। अतः स्पष्ट तौर पर यह कहा जा सकता है
कि लोकतांत्रिक व्यवस्था ने भारत में न सिर्फ एक शासन प्रणाली को जन्म दिया बल्कि एक नए समाज और संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। निसंदेह यह कहा जा सकता है कि मौलिक अधिकारों की व्यवस्था गुण एवं दोष तो विद्यमान है, किंतु यह सत्य है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान में मौलिक अधिकारों का स्थान सर्वोपरि है। मौलिक अधिकार न केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं वरन उन्हें समानता का अवसर भी प्रदान करते हैं। ये राज्य और व्यक्ति के बीच व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि लोकतंत्र है म्यान और उसमें बसने वाले मौलिक अधिकार है हमारी तलवार। जय हिंद। इन विचारों को सुनने के बाद मैं कुछ निश्चय नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन निश्चय करने का काम है निर्णायक मंडली का। मैं क्यों परेशान हूँ, तो चले आगे के विचार सुनने के लिए तैयार हो जाए। तो प्रस्तुत है प्रभात नेगी। भारतीय संविधान ने हमें शासन के अधिकार दिए, कई मौलिक कर्तव्य दिए और कई मौलिक अधिकार दिए। नियमों उपबंधों के जरिए भीम गांधी के सुविचार दिए। इस महाग्रंथ ने भारत को अभिव्यक्ति के अधिकार दिए। सुप्रभात। आज स्वाद-विवाद प्रतियोगिता में उपस्थित निर्णायक मंडल, प्रबुद्ध श्रोताओं और मेरे मित्रों को मैं प्रभात नेगी आने वाले 26 नवंबर यानी कि संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपने पक्ष में बोलने जा रहा हूँ। मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो बुनियादी है, जो अनिवार्य है, जो किसी व्यक्ति को राष्ट्र के संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं और जिनमें कोई भी सामान्यतः राज्य भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। प्रश्न यह उठता है कि क्या मौलिक अधिकार लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है? उत्तर है हाँ, क्योंकि सरकार का कोई भी अंग इसके विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को सुरक्षा हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं, परंतु क्या यह निरंकुश है, असीमित है? नहीं, सरकार इनके इस्तेमाल पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिसका वर्णन भाग 3 और धारा 12-35 के बीच किया गया है। मैं एक विद्यार्थी हूँ। समानता के अनुरूप कोई भी व्यक्ति मेरे धर्म, जाति, लिंग के आधार पर मुझे भेदभाव नहीं कर सकता। राष्ट्र का कानून मेरे और अन्य सभी नागरिकों के लिए समान है। मुझे बोलने का अधिकार है, किसी भी स्थान पर आने जाने का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है और कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब क्योंकि मेरी उम्र 14 वर्ष से कम है तो मुझसे जबरदस्ती श्रम नहीं करवाया जा सकता। कानून के अनुसार यह दंडनीय है। ना ये धर्म महान, ना वो धर्म महान, संविधान की नजर में सभी है समान। पढ़ो गीता और पढ़ो कुरान, पर मत भूल जाना पढ़ना भारत का संविधान। मैं और भारत का कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को मान सकता हूँ, उसका प्रचार प्रसार कर सकता हूँ। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के अनुसार मुझे यानी नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को किसी भी धर्म, अपनी धर्म, भाषा व संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब मुझे मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए संविधान में जाने का अधिकार है। मौलिक अधिकार लोकतंत्र के सबसे बड़ी हथियार है, क्योंकि मौलिक अधिकारों को ही केंद्र बिंदु मानकर संविधान का निर्माण हुआ। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर ने कहा था, मौलिक अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है और आत्मा को कोई अन्य दूसरा हथियार नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए मौलिक अधिकार ही सबसे बड़ा हथियार है। इसका निर्माण मानव जाति के कल्याण के लिए किया गया था। अंत में मैं अपने शब्दों को इन पंक्तियों से विराम देना चाहूंगा। अन्यायों के अंधियारों में न्याय की दीप जलाता है, शोषित वंचित पीड़ित के जो मौलिक अधिकार दिलाता है, वही सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन में आत्म विजेता कहलाता है, वही सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन में आत्म विजेता कहलाता है। धन्यवाद। बहुत ही सत्य वचन। अब आगे अपने विचार के साथ आ रहे हैं अनुष्का। शुभ संध्या प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी तथा सभी निर्णायक मंडल को मेरा नमस्कार।
आज इस वाद विवाद प्रतियोगिता में हम अपने विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारे मौलिक अधिकार लोकतंत्र में एक मजबूत हथियार हो सकता है, यह मेरे कुछ साथियों का मानना है, लेकिन क्या यह संपूर्ण सत्य है? मेरा उत्तर है नहीं। लोगों ने लोगों के लिए बनाया गया यह राज्य क्या सच में उनके काम आता है? भाषण स्वतंत्र हमारा प्रमुख मौलिक अधिकार है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि लोग सच बोलने से डरते हैं, बल्कि वह यह नहीं जानते हैं कि यह उनका अधिकार है। कई बड़े बड़े नेता भी अपना आपा खोकर कितने गैर जिम्मेदारी भरे वक्तव्य करते हैं, जिसका परिणाम बड़े बड़े दंगे फसाद होते हैं। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि लोकतंत्र का मौलिक अधिकार सबसे बड़ा हथियार है? मेरा उत्तर है नहीं। हम जानते हैं कि जानकारी हासिल करना हमारा सबसे बड़ा अधिकार है, लेकिन जानकारी का अधिकार का उपयोग कितने लोग कल्याण के हेतु करते हैं, बल्कि उसका प्रयोग उस जानकारी को गलत ढंग से प्रस्तुत कर अपने फायदे में जुटाते हैं। अब मैं और एक तथ्य पर प्रकाश डालना चाहूंगी, सामाजिक समानता केवल कहने के लिए है। हर क्षेत्र में भेदभाव होता है, जाति धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े अक्सर देखने को मिलते हैं, तो कहां समानता का अधिकार दिखाई देता है? शोषण के विरुद्ध का भी अधिकार बताया गया है, लेकिन उसका उपयोग सही तरीके से होता है? केवल कहते हैं कि 14 वर्ष से कम बच्चों को काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन आजकल हर जगह बाल मजदूरी करते बच्चे दिखाई देते हैं। तो क्या यह मौलिक अधिकार का सबसे बड़ा हथियार है? मैं कहूंगी नहीं। अब लगता है निर्णय करना अत्यंत कठिन है, लेकिन निर्णायक मंडली पर छोड़ते हुए दुर्वा प्लीज वेट। अनुष्का? यस मैम। Is your speech over? Yes, ma'am. Okay, all right. Yes, please continue. Yes, ma'am. अब लगता है निर्णय करना अत्यंत कठिन है, लेकिन निर्णायक मंडली पर छोड़ते हुए चले आगे के प्रतिभागी के विचार सुने। तो प्रस्तुत है संजना। धन्यवाद। लोकतंत्र का सबसे बड़ा ग्रंथ है संविधान, जिसने इसको पढ़ लिया वही है विद्वान। नमस्कार, यहाँ उपस्थित सभी को आने वाली 26 नवंबर यानी संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत के संविधान के महाग्रंथ को नमन करते हुए आज मैं संजना राजावत, 7वीं आई की छात्रा, क्या मौलिक अधिकार लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है, इस विषय के पक्ष में अपने विचार रखना चाहती हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं है कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहते किसे हैं। यह संविधान द्वारा हर व्यक्ति को प्राप्त वैसे अधिकार हैं जो उनके हितों का संरक्षण करते हैं। भारतीय संविधान में इसका वर्णन भाग 3 और धारा 12 से 35 के बीच में किया गया है। इसे यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग 3 यानी मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला बड़ा होता है। ऐसी ही कुछ अवधारणा हमारे संविधान की भी है, जो काफी हद तक मैग्ना कार्टा से प्रभावित नजर आता है। मैग्ना कार्टा एक शब्द नहीं बल्कि एक जरिया है किसी इंसान के मौलिक अधिकारों को बचाने का। इसकी नींव करीब 800 वर्ष पहले ब्रिटेन में रखी गई थी, जिसके मुताबिक किसी भी राजशाही या तानाशाही से ऊपर कानून को माना गया है। हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो पता चलता है कि ब्रिटेन की तत्कालीन किंग जॉन की कार्यशैली से प्रभावित सामंतों यानी राजा के प्रतिनिधियों ने आक्रोशित होकर एक संधि पत्र तैयार किया, जिसमें शर्त रखी गई कि राजा भी कानून के दायरे में रहकर शासन चलाएगा, अन्यथा उसका बहिष्कार किया जाएगा। ये मूल अधिकार हिंदुस्तान में किसी भारतीय या विदेशी नागरिक के जीने का अधिकार सुनिश्चित करते हैं।
यही कारण है कि हमारे मूल अधिकारों को हमारे संविधान का मैग्ना कार्टा के मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। ये हमारे मौलिक अधिकार ही हैं जो आज भारत में किसी भी अपराधी को अदालत में अपना पक्ष रखने की छूट देते हैं, चाहे वो कसाब जैसे खूंखार आतंकवादी ही क्यों ना हो। हमारे संविधान ने अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया, लेकिन इन उदाहरणों को नकारात्मक तौर पर ना लिया जाए, क्योंकि हमारा संविधान मानता है कि चाहे कितने भी गुनहगार छूट जाएं, परंतु एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में भारत के 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता यानी कानून की नजर में सभी एक बराबर हैं। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर, छुआछूत का अंत, उपाधियों का अंत। हमें चाहिए आजादी, यह नारेबाजी तो आपने बहुत सुनी होगी। जो ऐसा बोलते हैं, मैं उन्हें ये बता दूं, मुझे है बोलने की आजादी, शांतिपूर्ण इकट्ठा होने की आजादी, मुझे घूमने की आजादी है, मन चाहा रोजगार करने की आजादी, निवास बनाने की आजादी, सभा करने की आजादी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव व्यापार यानी मनुष्य का व्यापार नहीं कर सकते हैं, बाल श्रम यानी जबरन मजदूरी नहीं करवा सकते हैं, बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हैं, और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कहीं भी किसी भी कारखाने में काम नहीं करवा सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, किसी भी व्यक्ति को धर्म को मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अल्पसंख्यकों को विशेष शैक्षणिक स्कूल वगैरह खोलने की स्वतंत्रता है। कोई भी सरकार हो या कोई भी व्यक्ति आपसे किसी भी मौलिक अधिकार को छीनने का प्रयास करता है, तो आप सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। तो क्या मेरे मौलिक अधिकार मेरा हथियार है? जी हाँ, शत प्रतिशत है। अंत में मैं अपना वक्तव्य इन 4 पंक्तियों से समाप्त करना चाहूंगी। हर किसी के हितों की रक्षा हो, ऐसा विधान है। सबको जोड़कर रखे, ऐसा भारत का संविधान है। हर किसी को संविधान का सम्मान करना चाहिए। सच की जीत हो, अन्याय का दमन होना चाहिए। सत्यमेव जयते। धन्यवाद। सही वक्तव्य, परंतु और भी है जो अपने अलग विचार लेकर प्रस्तुत है। तृप्ति, शुभ संध्या प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी और सभी नैतिक मंडली को मेरा नमस्कार। आज मैं चुप्पी सातवीं की छात्रा आप सबके समक्ष मेरे विषय के विपक्ष में अपने कुछ विचार स्पष्ट करना चाहती हूँ। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का प्रयोग लोग गैरों सामाजिक बंधनों को ठुकराते कितने अश्लील एवं भड़काऊ ढंग से लोगों को कितने अश्लील एवं भड़काऊ ढंग से अपने आप को प्रदर्शित कर इंटरनेट एवं आदि माध्यमों का गलत इस्तेमाल करते हैं। अक्सर ये सुनने में आता है कि स्त्री और पुरुष समान है, लेकिन ऐसा नहीं। अभी भी स्त्रियों को वह दर्जा मिला ही नहीं जो कि कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, जैसे पुरुष और स्त्री दोनों भी दिन भर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन पुरुषों को ज्यादा मजदूरी और स्त्रियों को कम मजदूरी मिलती है। ऐसा क्यों? बल्कि दोनों भी समान काम करते हैं, समान समय तक करते हैं, तो ऐसा क्यों? तो क्या यह मौलिक अधिकार का हथियार है? मेरा विचार है नहीं। कई घटनाओं में मौलिक अधिकार का दुरुपयोग भी किया जाता है, जैसे आतंकवादी के केस में जिस तरह वकील देना या रात भर कोर्ट की कार्यवाही करते रहना, क्योंकि उसे भी इन बातों का मौलिक अधिकार है, केवल इस कारण यह बिल्कुल गलत है। शिक्षा का अधिकार सभी को है, लड़की लड़का समान है, तो दोनों को समान रूप से शिक्षा भी मिलनी चाहिए। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि अभी भी कई जगहों पर लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, उनको अभी भी पढ़ाया नहीं जाता, जबकि वह जाकर भी नहीं पढ़ सकती।
तो क्या यह लोकतंत्र का मौलिक अधिकार है? मेरा विचार है नहीं। नैतिक मूल्यों को पीछे छोड़कर अधिकारों की ही बातें करना भी लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। अभी तक हुए युक्तिवाद से यह स्पष्ट होता है कि मौलिक अधिकार लोकतंत्र का मजबूत हथियार नहीं हो सकता। धन्यवाद। अत्यंत प्रभावशाली। तो हमारे अगले प्रतिभागी हैं श्रेयसी। लोकतंत्र में है कुछ मौलिक अधिकार, यह है हमारे जीवन के मूल आधार। अधिकार है समानता का, धर्म जाति का भेदभाव नहीं यहाँ, इसीलिए मौलिक अधिकार है लोकतंत्र की ढाल। शुभ संध्या प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी और आज के निर्णायक गण। मैं श्रेयसी वीरकर आपके समक्ष आज के दिए गए विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वे सब समान माने जाएंगे। कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर घरेलू नौकरी करने वाली महिला तक, सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं। प्रसिद्ध अभिनेता संजय दत्त को कानून का सम्मान करना पड़ा और जेल जाना पड़ा। इस उदाहरण से हमें यह पता चलता है कि समानता का अधिकार लोकतंत्र का हथियार है। सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जैसे मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, शासकीय कार्यक्रम, अवसरों की समानता। 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इसके पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए, जब भी कोई काला व्यक्ति बस से यात्रा करता था, उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे, उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। सच में काले और गोरे का भेद कितना घृणास्पद था। इसीलिए मैं कहती हूँ मौलिक अधिकार लोकतंत्र के हथियार है। भारतीय संविधान का उद्देश्य विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वाधीनता सुनिश्चित करना है। इसीलिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। जैसे कि हमारे प्यारे देश भारत में हमें कहीं पर भी शांतिपूर्व सम्मेलन की स्वतंत्रता का अधिकार है। भारत में हम कहीं पर भी समुदाय और संघ का निर्माण कर सकते हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमें भ्रमण की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता बहाल है। संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकारों को दिया है। लोकतंत्र में अधिकार किसी हथियार से कम नहीं है। बच्चे समाज की परिसंपत्ति है। खुशहाल बचपन तथा शिक्षा प्राप्त करना उनका आधारभूत अधिकार है। बाल श्रम, चूड़ी की फैक्ट्री, पटाखों की फैक्ट्री आदि से बचने के लिए यह अधिकार किसी हथियार से कम नहीं है। मौलिक अधिकार न्याय योग्य है, इसी तरह वे प्रत्याभूत हैं, यह प्रवर्तनीय है। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सहायता के लिए न्यायालय में जा सकता है। संविधान हमारे मूल अधिकारों का संरक्षण करते हैं, कानूनी उपचार प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उल्लेखित उसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। शिक्षा का अधिकार वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों के अध्याय में एक नया अनुच्छेद 21A के रूप में जोड़ा गया। देश को निरक्षरता से मुक्त करने की दिशा में उठाया गया यह एक बहुत बड़ा कदम है। 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के उन सभी बच्चों को जो भारत में स्कूलों से बाहर है, उन्हें स्कूलों तक लाना तथा उन्हें गुणवत्ता युक्त शिक्षा देना उनका अधिकार है।
मानव अधिकार सार्वभौमिक है, मूलभूत है और पूर्ण है। सार्वभौमिक इसलिए क्योंकि ये सर्वत्र सभी मानवों से संबंधित है। मूलभूत इसलिए क्योंकि ये अपरिहार्य है। पूर्ण इसलिए क्योंकि ये वास्तविक जीवन के आधार है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, निज कष्टों को अपनाता है, आत्मविजेता कहलाता है, न्याय के दीप जलाता है, मौलिक अधिकार कहलाता है। जय हिंद। तो आगे अपने विचार लेकर प्रस्तुत है वैष्णवी। माननीय अतिथिगण, सुयोग्य निर्णायक मंडल, श्रद्धेय गुरुजन एवं मेरे प्रिय साथियों, सभी को मेरी ओर से प्रणाम। मैं वैष्णवी वक्ता विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। महोदय, हमारे इस महान गणतंत्र में बंगले की नागफनी हस्ती और आंगन की तुलसी रोती है कि तर्ज पर सबको मनमानी करने की आजादी है, सिवाय उनके जिनके कंधों पर देश को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है। जी हाँ सज्जनों, कर्तव्यों के प्रति उदासीनता परंतु अधिकारों के प्रति जागरूकता का यह आलम यह है कि घास आजाद है मर्जी से बढ़े और गधे आजाद है खड़े खड़े या लेटे लेटे चरे। मान्यवर, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार बहुत ही असंतुलित है। मैं पूछना चाहूंगी, क्या आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं? बड़ी ही गहन विडंबना है साहब। प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने वाला बच्चा आरक्षण की अग्नि में जल जाता है और कम अंक लाने वाला बच्चा भी बाजी मार ले जाता है। आप सोच सकते हैं कि आरक्षण इस तरह की व्यवस्था समानता के प्राधिकार के खिलाफ है। समानता का मतलब है हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का समान अवसर प्राप्त कराना। किसी भी दौड़ प्रतियोगिता में हम देखते हैं कि बाहरी पंक्ति में दौड़ने वाला खिलाड़ी और अंदर की पंक्ति में दौड़ने वाला खिलाड़ी दोनों के लिए समान अंतर रखा जाता है। तो मैं पूछना चाहूंगी, नौकरियों में प्रतिद्वंदिता मामले में यही समानता लागू क्यों नहीं की जाती? इतने पर भी मेरे प्रतिद्वंदी साथी समानता के अधिकारों की डुमडुमी बजा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगी शोषण के खिलाफ अधिकार के बारे में। इस अधिकार का उद्देश्य है किसी भी कमजोर वर्ग का शोषण न हो सके, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि होटल, रेस्टोरेंट, प्रिंटिंग, रंग रोगन, पटाखों के कारखानों में कामों में बाल मजदूर वर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगी, तुम मन भाव में मत रहना, तुम जीवन प्रभाव में मत रहना, तुम प्रकृति हो सदा मौलिक रहना, तुम संस्कृति हो सदा जागरूक रहना, तुम हिमालय हो सदा मौलिक रहना, तुम किसलय हो सदा जागरूक रहना, तुम सत्य हो सदा मौलिक रहना, तुम सनातन हो सदा जागरूक रहना, तुम महान भाव में मत रहना, तुम अभिमान प्रभाव में मत रहना, तुम सफलता भाव में मत रहना, तुम असफलता प्रभाव में मत रहना। जय हिंद। इन सभी विचारों को सुनने के बाद अब अंत में हम सभी निर्णायक मंडली के विचार सुनने के लिए अत्यंत आतुर हैं। तो मैं हमारे आज के निर्णायक मंडली को अपने विचार प्रकट करने के लिए नम्र निवेदन करती हूँ। Durva, you can call the names of the guests. Yes, ma'am.
चिलद्रजा मैम। मैम कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नीलांबरी मैम। गुड इवनिंग मैम। ओके शुभ संध्या। थैंक यू सो मच। मैं पहले सभी इनको थैंक यू कहना चाहूंगी कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई आप सभी को लाइक इन बड़े बच्चों को जज करने के लिए। रियली थैंक यू सो मच। ऑन ऑफ आई विल लाइक प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल मैम एंड ऑल सीसी डिपार्टमेंट एज वेल एज नीतांजलि मैम, थैंक यू गिविंग मी सो मच अपॉर्चुनिटी। एंड सबसे पहले तो ये बहुत मुश्किल है कि सच किसको ये लाइक इतने विचार आप लोगों को विचार जो आपने प्रस्तुत किए बच्चों ने कि हाँ कंफ्यूज हो गया कि सच में जो अधिकार हमें मिले हैं मौलिक जो राइट्स हमें मिली है तो क्या वो सच में हमारे लिए सही है या हाँ। लेकिन मैं एक लाइक चेत्राली से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। चेत्राली इफ यू डोंट माइंड मे आई मैम। ओके चेत्राली आप तो अगेंस्ट है तो मुझे क्या आप बता सकते हैं कि फिर आप जो आपको लग रहा है कि जो राइट्स हमें मिली है तो वो तो लाइक आप अगेंस्ट है कि ये राइट्स नहीं सही है तो आप बता सकते हो कि आप कैसे फिर ये जो लोग जो हमारी राइट्स का जो अगेंस्ट है मतलब सॉरी जो जो राइट्स है उसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो आप उनसे प्रतिबंध कैसे कर सकते हो उनके लिए कैसे क्या कर सकते हो कि लाइक आपका कहना है कि कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं तो क्या आपके पास कुछ ऐसे है कि सोल्यूशन कि क्या आप उनको रोक सकते हैं। मैम हमारे लिए अधिकार तो हम सब लोगों को बराबर दिए गए हैं लेकिन अगर कुछ लोग उनका गलत अर्थ लगा रहे हैं तो इसलिए उन्हें समझाना चाहिए। अगर वो समझा कर भी नहीं मानते तो उन्हें शिक्षा भी करनी चाहिए मेरे हिसाब से क्योंकि जब वो हमारे अधिकारों को ठीक से नहीं कर सकते तो फिर उनका इतना अच्छा उनका ये विचार नहीं है। और आप ये तय कैसे करोगे कि ये सही है या गलत है? मैम मैं उनकी बातें पहले अच्छे से सुनूंगी अगर तो फिर उनकी बातों को अच्छे से सुनने के बाद मैं ये निर्णय लूंगी। ओके ठीक है। ओके थैंक यू। देन आई विल लाइक टू आस्क श्रेयसी। श्रेयसी आप लाइक जो आपको मौलिक अधिकार है उसके आप उसके साइड में थे राइट? यस मैम मैं पक्ष में बोल रही थी। जी तो मुझे एक बात बताइए लाइक हाँ अभी जैसे आपने इन लोगों के विचार सुने होंगे तो कुछ लोग गलत इस्तेमाल करते हैं मौलिक अधिकारों का तो आप फिर जो हमें राइट्स मिले हैं क्या उसमें भी एक और राइट है कि हम ये इनके जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ये राइट्स को हम उनको रोक सकते हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसे अधिकार है हमारे मौलिक अधिकार है जो हम इनको रोक सकते हैं जो गलत इस्तेमाल करते हैं? संविधान में हमने ये राइट्स मिली है या नहीं मिली है? यस मैम हमें यह राइट मिली है। इस राइट का नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे वह कहा जाता है जिसमें अगर हमारे हमारे जो अधिकार है अगर उनका उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं और अवश्य अगर हम न्यायालय में जाएंगे तो हमें हमारे साथ हमेशा न्याय ही होगा। ओके थैंक यू। बहुत अच्छे लगा आप लोगों के सभी बच्चों का ये विचार ये देखकर जो बच्चे अगेंस्ट थे एंड जो उनके साइड विपक्ष भी थे तो थैंक यू मैम एंड ऑल द बेस्ट सभी को। इसी तरह हिस्सा लिया कीजिए एंड इसी तरह कॉन्फिडेंटली बोला कीजिए। लाइक बहुत सारे ऐसे हिंदी शब्द जो आज लाइक मुझे रियली बहुत अच्छा लगा बड़े। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। यस रुवा कंटिन्यू।
यस मैम। अंत में मैं अपने प्रधानाचार्य श्रीमती नूतन जस्ट अ मोमेंट सुहास सर, आई थिंक मैम इज नॉट एबल टू अनम्यूट हरसेल्फ, आवर सेकंड गेस्ट। जस्ट अ मिनट मैम, आई विल कंफर्म। सुहास सर, हेलो, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग मैम। हेलो, गुड इवनिंग। हेलो, यस मैम, मैम प्लीज कंटिन्यू। ओके ओके मैम, कैन यू हियर मी? यस यस मैम। ओके, हेलो, नमस्ते मैम। हेलो, हाँ जी हाँ जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। ओके ओके मैम, तो ये हेलो बच्चों, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम। आप सभी ने अच्छा सा भाषण प्रस्तुत किया है, बहुत अच्छे अच्छे विचार प्रस्तुत किए हैं। बीच बीच में मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी क्योंकि बहुत बारिश हो रही है मेरे यहाँ। तो मैंने तो ये क्या प्रभात का मैंने सुना था, तो जो अधिकार हमें चाहिए, हमें सब कुछ करने का जो अधिकार है, वो वाला मैंने सुन लिया था, बहुत ठीक तरह से सुन लिया था। तो मैं प्रभात बेटा, आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। पूछूं प्रभात? यस मैम। ओके प्रभात, आपने कहा ना सब कुछ करने का हमें मौलिक अधिकार है, सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, चलने का अधिकार है ना? तो ये मौलिक अधिकार की रक्षा सब कहीं होती है क्या? यस मैम, सबसे पहले तो मैं आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा, और मैं
इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह देना चाहूंगा। मैम, जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान में यह रूल बनाया गया है कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। और जैसे कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे भी हैं, जिनको श्रम करवाया जा सकता है, उनको भी यह अधिकार है कि वो पढ़े, और वो सरकारी स्कूल में कोई भी जा सकते हैं, और वहाँ पे उनको जो दिन का जो खाना होता है वो फ्री में मिलेगा, और जो उनको जो भी चीजें चाहिए वो सब फ्री मिलेंगे, और उन्हें कोई भी पैसे नहीं भरने पड़ेंगे। तो फिर मैम, जो हमने जो संविधान ने हमें रूल ये बनाया है, तो मैम ये पूरे हर जगह देखने को मिलता है। ओके, तो मैंने पूछा था क्या, लेकिन ये सभी अधिकार उन्हें मिल रहा है क्या? अभी भी कुछ कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, जिन्हें पढ़ने का अधिकार होने के बाद भी ये इनसे वंचित है, है ना? तो ये उनकी अधिकार की रक्षा है क्या? ऐसा होना चाहिए ना। आपने बहुत अच्छा कहा है, बहुत ही अच्छा कहा है। कीप इट अप, ओके, वेरी गुड। और संजना बेटा, मैं आपसे एक बात पूछूं, संजना जी। यस मैम। आपने क्या कोई याचिका हम हाईकोर्ट तक दर्ज कर सकते हैं, ऐसा आपने कहा था ना, कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अगर कोई भी हमसे कुछ ऐसा कुछ होता है तो हम हाईकोर्ट तक जा सकते हैं। क्या हाईकोर्ट तक जाने के बाद भी कई अपराधी ऐसे ही क्या मुक्त होकर आजाद हमारे आगे विचरण कर रहे हैं, तो कहाँ है ये? संजना, यस मैम, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी आपके प्रश्न के लिए। मैम, आपके प्रश्न को उत्तर मैं इस तरह देना चाहती हूँ। जैसे मैम आपने कहा कि हाई कोर्ट में यदि कोई याचिका दायर करते हैं, तो मैम यदि ऐसा कोई आवाज ब्रेक हो रही है, यदि कोई ऐसा, मैम मेरी आवाज आ रही है? मैम, हर एक अपराधी को जब हमारे मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, हर नागरिक को, तो सभी को अपना विचार, अपना पक्ष रखने की छूट देता है हमारा मौलिक अधिकार। और हम किसी भी न्यायालय में अपना पक्ष रख सकते हैं। मैम, यदि हाई कोर्ट में हमारी याचिका ठुकरा दी जाती है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। वेरी गुड, सभी बच्चों ने अच्छा सा भाषण प्रस्तुत किया है आपके। मैं क्या कैसे तारीफ करूं, इतनी छोटी उम्र में आप सभी इतने अच्छे तरीके से विषय को देखते हैं और उसको प्रस्तुत करते हैं, तो इसका एक हिस्सा बनने का जो भाग्य मुझे मिला है, इसलिए इसके लिए मैं क्या आपको शुक्रिया देना चाहती हूँ, आपसे आपको क्या धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा मौका दिया है। इतने प्रभावशाली बच्चे जो हैं, उनको देखने का, उनके भाषण सुनने का अवसर मुझे मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे। लास्ट जो बच्चे कुछ लोग कहा था, वैष्णवी और क्या श्रेया, मैम श्रेयसी, आप सभी का मुझे भाषण पूरी तरह से सुनने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि मेरे इधर कुछ गड़बड़ हो गया था कि बारिश की वजह से, तो मैंने सर से पूछा है आपके जो भाषण रिकॉर्डिंग भेजने के लिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद मैम, आपका भी बहुत धन्यवाद कि मुझे ऐसा अवसर देने के लिए। सभी टीचर्स से भी मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। थैंक यू मैम। यस दुर्वा, यू कैन कंटिन्यू। यस मैम। अंत में मैं अपने प्रधानाचार्य श्रीमती नूतन मिश्रा मैम को अपने विचार व्यक्त करने के लिए अनुरोध करती हूँ।
Durva, I think ma'am is not there in meeting. You can conclude now. Yes, sir. आज के अतिथि हमारे सम्माननीय प्रधानाचार्य उप प्रधानाचार्य एवं सभी श्रोताओं का मैं आभार प्रकट करती हूँ. धन्यवाद. Thanks a lot, judges. Thank you so much for taking out, sparing out your time. धन्यवाद मैम. मैं आप ये फॉर्म जो है ना आप निदाली मैम ने भेजा था तो हाँ जी गूगल शीट तो वो हम मैं जो बाकी बच्चों का रिकॉर्डिंग सुनने के बाद भेज सकूं क्या? हाँ जी ठीक है मैम. ओके मैम. ओके थैंक यू. Thank you, ma'am. Thank you, Nilambi, ma'am. Thank you, Shilpa, ma'am, giving us me a such an opportunity. And thank you, students. Bahut achhi tarah bola. Really nice to hear you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, students. Thank you, house mistresses, and also Hindi department for preparing children so well. Yeah, really. And really, ma'am, all were amazing. Yes, excellent. It becomes very difficult for judges. Yeah. Yes, ma'am. It's really all the excellent. You know, they are children studying. They spoke as if you know they are studying in 12th standard. Such confident, everyone. Brilliant. अच्छे हो गए हैं, लेकिन इतने अच्छे कर रहे हैं वे लोग. दाग देनी पड़ेगी उनके. Say something, children. Ma'am is praising you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you,